तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर बैटरी रखी हुई है जो कि काफी पुरानी बैटरी है, और ये बैटरी हमारे पास स्क्रैप में आई हुई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम बिल्कुल कवाड़ा बैटरी को भी चलने लायक बना सकते हैं। हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि बैटरी हम बिल्कुल नए जैसी कर देंगे या नए वाला बैकअप इसमें ले आएंगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसा कर देंगे कि ये आपकी 2-3 महीने बैटरी अच्छे से चल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों में हमारी बैटरी खराब हो जाती है और उस समय हम बैटरी बदलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ठीक गर्मियों की शुरुआत में बैटरी चेंज कर लें। तो फिर हमारा ये वीडियो इसलिए है कि आप अपनी बैटरी की रिपेयर खुद ही कर सकते हैं, इसे 2-3 महीने चलने लायक कर सकते हैं, अच्छा बैकअप ला सकते हैं। तो फिर देखते हैं हमारे साथ, वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी देखिए बैटरी के डॉट्स वगैरह हमने खोल लिए हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर से बिल्कुल सूखी हुई बैटरी है, आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो आपको ग्रेविटी मीटर से या हाइड्रोमीटर से इसका पानी निकाल कर दिखाते हैं कि इसमें बिल्कुल सूखी है, यानी कस्टमर ने इसे काफी टाइम सूखा चलाया है जिसकी वजह से बैटरी खराब हुई है। हाइड्रोमीटर हम इसके सेल में डालेंगे, सारे सेल इसके बिल्कुल सूखे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और सभी सेल इसके काफ़ी बुरी कंडीशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस बैटरी को साफ करेंगे अच्छे से। जैसे इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, हम एक सादा पानी लेकर और सर्फ वगैरह लेकर इसे बैटरी को बिल्कुल चमका देंगे। बैटरी को बिल्कुल नई करके दिखाना है आपको, अच्छे तरीके से चला के दिखाना है। तो पहले हम इसे साफ करेंगे, जो पुराने नट बोल्ट वगैरह इसमें लगे हुए हैं वो सब हटा देंगे। ये देखिए बैटरी को अच्छे से साफ कर लेंगे और जो इस पर गंदगी वगैरह लगी है सब बिल्कुल साफ करेंगे। इसके देखिए डॉट्स वगैरह लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि गंदगी इसके बैटरी के अंदर ना जाए। गंदगी से हमें बचाना है ताकि अंदर इसके डस्ट वगैरह और फिर ये जो धूल वगैरह बाहर है, गंदगी है, ये चीज़ इसकी प्लेट्स में ना पहुंचे। उसके बाद देखिए सादा पानी डालेंगे इसके ऊपर, सादा पानी डालकर और फिर इसके बाद इस पर पहले इसे ऐसे ही साफ कर लेंगे। देखिए नॉर्मल हम कोई वॉशिंग पाउडर वगैरह इस पर डाल लेंगे, उससे फिर हम इसे बढ़िया तरीके से साफ करेंगे, बैटरी को बिल्कुल हम चमका देंगे। ये देखिए अब काफ़ी हद तक बैटरी हमारी साफ हो चुकी है और आपको इसकी सफाई में जितनी चीज़ें चाहिए वो सब आपके घर पर आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। तो देखिए बैटरी हमारी लगभग साफ हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से चमक चुकी है। अब आपको दिखाते हैं बैटरी में वोल्टेज कितने, बैटरी वोल्ट चेक करके बताते हैं आपको कि बैटरी में कुछ करंट है या फिर बिल्कुल करंट नहीं है। ये देखिए बैटरी बिल्कुल डाउन है, बैटरी में लगभग 6-6.5 वोल्ट के आसपास है। तो इसमें बैटरी को हमें चार्ज करने की जरूरत पड़ी। अच्छा ग्रेविटी हम इसे चेक भी नहीं कर पाएंगे, बैटरी में पानी बिल्कुल नहीं है। जब पानी नहीं है तो ग्रेविटी होने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसके बैटरी के जो पुराने वोल्ट वगैरह हैं ये सब निकालेंगे और इसे निकालकर हम इसके नए वोल्ट रिप्लेस करेंगे। तो पहले आपको ये वोल्ट निकाल के बताते हैं कि वोल्ट कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम इसे बैटरी को चार्जिंग पे लगाएंगे, इसमें बैटरी एसिड वगैरह डालेंगे ताकि बैटरी की ग्रेविटी उठ सके। बोलते हैं बैटरी के, ये देखिए हम दोनों तरफ चाबी लगाएंगे, ये रिंच से बोल सकते हैं, चाबी भी बोल सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत धीरे से इसे खोलेंगे, अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो बैटरी का ये टर्मिनल जो है ये उखड़ने का चांस रहेगा। पुरानी बैटरी होती है बहुत धीरे धीरे इसमें काम करने का होता है, अगर इसमें ताकत लगाएंगे ज़्यादा तो बैटरी का टर्मिनल उखड़ जाता है और फिर बैटरी हमारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये देखिए अब देखिए दूसरा वोल्ट जो है इसमें ग्रिप तो कुछ भी नहीं है, इसमें ग्रिप कुछ भी नहीं आ सकती है। तो इसे हम प्लास्टिक की सहायता से और फिर ये देखिए ये भी निकल जाएगा। ये भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता निपटाने वाला काम है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ताकत लगाएंगे तो फिर बैटरी का टर्मिनल ये उखड़ जाएगा, आपने देखा ये हिल रहा है और पुरानी बैटरी में थोड़ा रिस्क रहता है। ये देखिए ये भी साफ हो गया। देखिए अभी इसमें हम पहले से साफ करेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम इसमें बैटरी के नए वोल्ट लगा देंगे और फिर उसके बाद हम बैटरी में सादा पानी डालकर, जी हाँ सादा पानी डालकर चार्जिंग पर लगा देंगे ताकि बैटरी थोड़ा चार्ज हो सके। हम आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो अपने घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इसमें अलग से कोई बैटरी वाटर नहीं डालना है या बैटरी एसिड नहीं डालना है, आप केवल सादा पानी डालकर इसे चार्जिंग पर लगा सकते हैं।
में बैटरी में पानी डालने का। अब बैटरी में हम पानी डालेंगे, पानी डालते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक ना आए, पानी इतना आए सिर्फ बैटरी के प्लेट्स डूबी रहे, प्लेट से थोड़ा ऊपर पानी रहे। अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी चार्जिंग के समय बॉइल होकर बाहर आएगा, इससे हमारा फ्लश वगैरह खराब होता है और बैटरी की गेफ्टी भी डाउन होती है। अब हम बैटरी को चार्जिंग पर लगा देते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद कम से कम इसे हम 10 से लेकर 15 घंटे के बीच में चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर बैटरी चेक करके इसे लोड पर चला के चेक करेंगे। बैटरी के सभी सील्स में थोड़ा थोड़ा हम जो बेकिंग सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है, वो सभी सील्स में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे ऐसा होगा कि बैटरी प्लेट्स अगर हार्ड हो गई होंगी तो बैटरी प्लेट्स सही हो जाएंगी और फिर हमें बैकअप अच्छा मिलेगा। ये देखिए इस तरह ये सभी सेल्स में हमने सोडा डाल दिया है। अब इसे चार्जिंग पर लगा देते हैं। चार्जिंग पर लगाने के बाद आपको इसे चेक करके बताएंगे, थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाए उसके बाद बैटरी वोल्ट चेक करके बताएंगे और आपको इस पर चेक कर लगा के बताएंगे। में हमारे वोल्टेज लगभग 12.5 वोल्ट के आसपास आ चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसे हम आउटपुट लगा के चेक करते हैं इन्वर्टर को, ये देखिए इसे हमने ऑन किया, ये 100 वाट का लोड हमने इस पर चलाया है और बैटरी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से आपको ऑन ऑफ करके बताते हैं, ये देखिए हमने ऑफ कर दिया। अब इसे ऑन करते हैं फिर से लोड को, ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस रहा। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।